जनपद में नशा मुक्ति को लेकर अखिल भारतीय एनजीओ महामंच ने सोमवार को एक जन जागरूकता पद यात्रा निकाला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। पदयात्रा में सदस्यों ने जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महासंघ के अध्यक्ष अख्तर हुसैन तथा सपना पांडे और चंचला शुक्ला ने बताया। सभी जानते हैं, लेकिन इस आजाद भारत में अभी भी शराब और मदिरा एक ऐसी चीज है जिससे आम गरीब जो है उसको पीता है और घुट घुट के मरता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि राजघाट आप ले लीजिए, अमृत मंडी और तमाम जिले में ऐसे भट्ठे हैं जहां पे इनलीगल शराब बनती है। मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद भी तो इन लीगल शराब को ये लोग बंद कराएं ताकि मौतें रुके। और जो लीगल शराब है, हम ये कहते हैं कि अगर बिहार में आप शराब बंद कर सकते हैं, गुजरात में आप शराब बंद कर सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की जान इतनी सस्ती है? मेरा उद्देश्य यही है कि अपने देश, अपने अपने भारत, उत्तर प्रदेश देश को, अपने राज्य को नशा मुक्त बनाना। क्योंकि शराब से आए दिन आप देखते होंगे शराब से आए दिन मौतें जो हो रही हैं, क्योंकि जो हमारे बिहार में बंद हो सकता है ऐसा, तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों? और खासकर हमारे अमृत मंडी, इसी राज्य, इसी शहर के हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इस शहर के रहने वाले हैं, उन्हें पता भी है कि हमारे अमृत मंडी में शराब बनता है और बिकता है, सारे प्रशासन को पता है, इसके बावजूद बिहार रोक नहीं लेते। ये तब तक चलेगा ये अभियान हमारा जब तक अपना पूरा उत्तर प्रदेश नशा मुक्त नहीं होता है। जैसे कि पूरे भारत में एकदम शराब, बीड़ी, सिगरेट, सारे हर चीज़ से एकदम मुक्त करा दिया जाए ताकि हर जन जन तक, हर आदमी स्वस्थ रह सके, कि पूरे भारत को एकदम नशा मुक्त करा दिया जाए, कोई भी नशा हमारे भारत देश में ना रहे, इसीलिए इसको मुहिम